हम खड़े हैं मुंबई के आज़ाद मैदान पर। यहाँ पर राजीव गांधी भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है, यहाँ पर बड़ी अजीब गरीब एक साइकिल आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमारे कैमरामैन को दिखाइए कि एक साइकिल है जिसपे जहाँ की जॉनी केयरटेकर्स जो कि एक बहुत ही शानदार साइकिल जानदार साइकिल बनाई है और चंडीगढ़ टू मुंबई इस दौरान वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मांगे हैं, किस मांग के लिए वो इतनी लंबी साइकिल लेकर जर्नी कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं, जॉनी जी से। ये जो जर्नी है चंडीगढ़ के मुंबई, ये मेरी चौथी जर्नी है और इस जर्नी में उद्देश्य हमारा ये है कि साइकिल टू वर्क सेफ इन्वायरमेंट। जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे लोग और बड़े लोग जो है साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम बच्चों से और बड़ों से ये विनती करते हैं कि हफ्ते में एक दिन कम से कम साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, उससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। और जो पोल्यूशन, दिल्ली अभी 10 दिन बंद था, वो इसीलिए बंद था क्योंकि बच्चों को स्कूल की छुट्टी दी है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अगर यही हालात चलते रहे तो हमें सबको ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ उठा के चलना पड़ेगा। तो प्लीज़ वो दिन ना आए कि ऑक्सीजन साथ में उठा के चलें, इससे अच्छा ये है कि आज साइकिल चलाएं और अपनी सेहत और पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल करें। मुंबई हम पहली बार ही आए हैं, इससे पहले कई जर्नी कर चुके हैं और जो मेरा ये उद्देश्य है साइकिल टू वर्क, ये मैं पिछले 24 साल से साइकिलिंग कर चुका हूँ। कई रिकॉर्ड मेरे बन चुके हैं, लिम्का बुक, इंडिया बुक और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा नाम आ चुका है। एक जर्नी मुझे और करनी है, वो है कश्मीर टू कन्याकुमारी। वो जर्नी करने के लिए जो मुझे साइकिल डिज़ाइन करना है उसमें मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है, 4 लाख का खर्चा है मेरा और मैं स्पॉन्सर चाहता हूँ। इस मुंबई आने का एक और उद्देश्य था मेरा, मैं सलमान खान भाई से मिलना चाहता था और कपिल शर्मा जी के शो में मैं गया था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे सलमान खान जी से मिलवाएंगे। तो अभी उन्होंने टाइम मांगा तो करते, अगर सलमान खान जी इंडिया में होंगे तो हम आपको उनसे मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएंगे। नहीं, अभी तक कोई कठिनाई नहीं मेरे को हुई और बहुत ही अच्छा लोगों ने कॉपरेट किया है। दिल्ली, जयपुर, गुजरात सारा घूमते हुए आए हैं, राजस्थान से हुए हैं और सभी लोग बहुत अच्छे मिले हैं, सभी ने बहुत कॉपरेट किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चंडीगढ़ टू मुंबई हम सीधा नहीं आए, हम घूमते हुए आए, आपको पता दिल्ली 4-5 दिन में, 2 दिन अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जयपुर, डुड्डू, पुष्कर एंड और सारी जगह जितने स्टेट्स हैं घूमते हुए आए, इसलिए हमें 1 महीना और 16 दिन हो चुके हैं। और चंडीगढ़ का जो यूटी पंजाब गवर्नर साहब थे, उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था इस जर्नी के लिए। और ये जो साइकिल है ये पूरी स्टील की बनी हुई है और इसमें आप देखेंगे कि ये ओपन हैंड लोगो, ये जो ओपन हैंड लोगो है ये चंडीगढ़ का लोगो है। मैं कहीं ना कहीं बाइबर चंडीगढ़ से हूँ तो चंडीगढ़ को प्रमोट कर रहा हूँ, साइकिल को प्रमोट कर। यह थे जॉनी जी, जिनका टेक नेम है जॉनी। यह चंडीगढ़ से मुंबई 1 महीना 13 या 14 दिन लगाकर यहाँ पर पहुँचे और उनका एक ही ख्वाहिश है कि प्रदूषण पर नियंत्रण किस तरह किया जाए। अगर हफ्ते में एक दिन कोई भी इंसान अगर गाड़ी ना निकालते हुए साइकिल से ही प्रवास करे तो उससे हमारे प्रदूषण पर काफ़ी असर पड़ेगा। कैमरामैन संदेश के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।